बारिश के बाद जिला अस्पताल में खुजली और एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इलाज कराने आए मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े होने के बाद भी नहीं आ रहा है मरीजों का नंबर। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में इस वक्त खाज खुजली जैसी बीमारियों के मरीजों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लगातार कई दिनों से हुई बारिश के बाद लोगों के शरीर में हो रही खाज खुजली, जिसके कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों को दिखाने आए मरीज सुबह 9 बजे से अपनी लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। घंटों से खड़े मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर मरीजों को देख रहा है। और आपको बता दें कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी भी लगातार बनी हुई है, जिसके कारण मरीजों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है? अंजुम। कहाँ से आई? केरियर में से। यहाँ किसके लिए आई? खुजली दिखाने के लिए। काफी टाइम हो गया। कितनी देर लगे? बहुत बहुत देर। शरीफ खान, मुझे यहाँ 1 घंटा हो चुका है और भी मरीज बहुत आ रहे हैं और लंबी लाइन लगी पड़ी है। वायरल फैल रहा है एलर्जी का और दवा लेने वाले निकल के आ रहे हैं। मेरे भी एलर्जी है। मैं 10 बजे का आया हुआ हूँ और भी यहाँ बहुत से 10 बजे के आए हुए हैं। कोई 9:30 बजे का आया हुआ है। लाइन लंबी है, डॉक्टर देख रहे हैं। चार चार आदमी जा रहे हैं, चार चार मेंबर सब जा रहे हैं, डॉक्टर दवा दे रहे हैं। ये लंबी लाइन इस वजह से लगी है कि डॉक्टर एक है और मरीज पेशेंट है ज़्यादा। अब चार चार बारिश बहुत काफ़ी तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। कुछ इंसेक्ट्स बारिश के हैं, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। नमी की वजह से फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। हाँ, दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट वायरस से कहते हैं, पेपलेटी के जो मच्छर काट गया उसकी वजह से एलर्जी ज़्यादा होती है बच्चों, खासकर बच्चों को। और इसके भी इसके पेशेंट्स ज़्यादा हैं। और कुछ नया भी इन्फेक्शन चल रहा है लोगों में? मोस्टली यही है, कॉमनली इन्फेक्शन यही रहते हैं। बरसात के सीजन में इंसेक्ट वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, चिकनगुनिया टाइप इसमें नहीं। हमारे पास वायरल फीवर का जिला अस्पताल में वो तो सब समस्या बताएंगे। इस तरीके से जिला अस्पताल आए मरीजों का कहना है कि हमें 9 बजे इलाज के लिए दिखाने आए, घंटों हो गए लाइन में खड़े खड़े, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। इतनी लंबी लाइन लगा रखी है लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक ही है। एक डॉक्टर इतने सारे मरीजों को कैसे देखेगा? प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।